नमस्कार दोस्तों, न्यू डायरेक्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, हम पढ़ रहे हैं संपूर्ण भारत की रूपरेखा और पिछली क्लास में हमने 1600 से 1908 तक महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा की थी। आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि आज की क्लास शुरू करें तो पिछली जो क्लास है उसका एक बार क्विक रिविजन ले लेते हैं कि क्या क्या हुआ था। तो 1600 में यूरोपियन कंपनियाँ भारत में आ जाती है। लगभग 150 वर्षों तक व्यापार करने के बाद मुख्य रूप से अंग्रेजों की बात कर रहे हैं। 1757 में प्लासी की लड़ाई से वो क्या कर लेते हैं, पूरे बंगाल पर नियंत्रण कर लेते हैं। और यह लड़ाई किस किस के बीच में होती है, रॉबर्ट क्लाइव और सराजू दोला के बीच में। और नियंत्रण के बाद ये प्रशासक की भूमिका में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और भारत का शोषण करते हैं। और इसका परिणाम क्या निकलता है, 1857 की क्रांति। उसके हमने कारणों पर चर्चा की थी, आधारभूत कारण और तात्कालिक कारण। आधारभूत कारणों में क्या थे, आर्थिक, सामाजिक और तमाम चीज़ें हमने पढ़ी थी, और राजनीतिक जितने भी कारण थे। तो उसके बाद इस क्रांति से भारतवासियों को क्या सबक सीखा कि अगर हम एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करें, विद्रोह करें या इनके खिलाफ संघर्ष करें तो इनको आसानी से बाहर से बाहर खदेड़ा जा सकता है। तो एक राष्ट्रीय लेवल की संस्था की जरूरत पड़ी जो 1885 में कांग्रेस के रूप में सामने आई। कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 में। किसके द्वारा की जाती है, ए ओ ह्यूम। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। और पहले अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू सी बनर्जी। तो उसके बाद हमने देखा था 1885 से 1947 में राष्ट्रवाद का उदय होता है भारत में, और हम इसको तीन चरणों में बांटते हैं। 1885 से 1905 यानी बंगाल के विभाजन तक उदारवादी चरण, और 1905 से 1919 उग्रवादी चरण, और 1919 से 1947 गांधीवादी चरण। हमने इन घटनाओं पर चर्चा की थी। 1905 में क्या होता है, बंगाल का विभाजन। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 में कांग्रेस का विभाजन। और 1908 में करम दल के नेताओं का क्या कर दिया जाता है, अंग्रेजों द्वारा दमन किया जाता है। अब बात वहां से शुरू करते हैं 1908 से। 1908 यहां पे अंग्रेजों द्वारा जो करम दल के नेता थे, इनका क्या कर दिया जाता है, दमन। इसमें मुख्य रूप से कौन, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष, हमने इनके बारे में पढ़ा था। अब देखो साथियों, जो गरम दल के नेता थे वो अंग्रेजों द्वारा ठिकाने पर लगा दिए जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक को जेल में, और अरविंद घोष जो अब क्या कर जाते हैं, पांडिचेरी चले जाते हैं। अब भारत में क्या रहता है, निष्क्रिय दौर। कहाँ तक, 1913 तक भारत में क्या रहता है, निष्क्रिय दौर। क्योंकि जो संघर्ष करने वाले नेता थे वो अंग्रेजों द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, कैद कर लिए जाते हैं, उनका दमन कर दिया जाता है, निष्क्रिय दौर। यानी कि कोई भी जन आंदोलन नहीं, अब भारत में ऐसी कोई गतिविधियां नहीं हुई जो महत्वपूर्ण हो, लेकिन भारत से बाहर अब जो भारत को आजादी के लिए गतिविधियां शुरू हो जाती है। तो बात है 1913 की। 1913 में क्या होता है, उत्तरी अमरीका का एक शहर है, कहां पर, उत्तरी अमेरिका, इसका एक शहर है, शायद आपने नाम सुना हो, सैन फ्रांसिस्को। यहाँ पर भारत के लोग बहुत अच्छी खासी मात्रा में रहते हैं। तो उन लोगों के द्वारा उत्तरी अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को एक जगह है, शहर है, वहां पर 1 नवंबर 1913 को गदर आंदोलन या गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। कब की जाती है, 1 नवंबर 1913 को, कहां पर, उत्तरी अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में। और अगर हम इसके नेताओं की बात करें, जो इसके प्रमुख नेता थे, सोहन सिंह भावना, और दूसरे नेता की बात करें तो वो कौन थे, लाला हरदयाल। साथ ही आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जो गदर पार्टी की स्थापना कब होती है, 1 नवंबर 1913 को, और कहां पर की जाती है, सैन फ्रांसिस्को में। अगर इसके नेताओं की बात करें तो किसके द्वारा की जाती है, तो ये जो इसके दो नेता थे, प्रमुख नेता सोहन सिंह भावना और लाला हरदयाल। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनते हैं। अब बात करते हैं 1915 में क्या होता है, अफगानिस्तान, कहां पर, अफगानिस्तान में एक शहर है काबुल, वहां की राजधानी भी है
काबुल में भारत भारत के बाहर पहली अस्थायी सरकार का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। भारत के बाहर पहली अस्थायी सरकार का गठन, समझ रहे हो, 1908 से 1913 तक भारत के सभी क्रांतिकारी नेता अंग्रेजों द्वारा दमित कर दिए जाते हैं। अब भारत में कोई भी स्क्रिय जन आंदोलन नहीं है, तो इसी के कारण भारत से बाहर गतिविधियां शुरू हो जाती है भारत को आज़ाद कराने के लिए। तो 1913 में सैन फ्रांसिस्को में यानी 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना कर दी जाती है। इसके प्रमुख नेता कौन कौन से हैं, सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल। और वहीं अगर हम बात करें 1915 में अफगानिस्तान में काबुल में, कहाँ पर, काबुल में भारत के बाहर पहली अस्थायी सरकार, यानी पूर्ण रूप से यह सरकार नहीं है, अस्थायी है, टेम्परेरी सरकार है। और यह सरकार स्थायी कब होगी, जब भारत आज़ाद होगा, ऐसा इनका सोचना था कि हम फिलहाल अस्थायी सरकार बना लेते हैं और हम अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालेंगे, फिर हमारी सरकार क्या होगी, स्थायी सरकार होगी, मान्यता प्राप्त होगी। अगर हम इसके नेताओं की बात करें, इसके नेता कौन कौन से थे, राजा महेंद्र प्रताप, ये क्या थे इस सरकार के राष्ट्रपति। और दूसरे नेता कौन थे, बरकतुल्ला, और ये क्या थे इस सरकार के प्रधानमंत्री। तो ये गतिविधियां कहां पर चली हुई थी, काबुल में, काबुल कहां पे, अफगानिस्तान में। और इसी प्रकार का एक आंदोलन भारत में भी 1916 में, कब, 1916 में शुरू हुआ, जिसका क्या नाम था, होम रूल आंदोलन। किसके द्वारा शुरू किया गया ये, इसके जो नेता उनकी बात करें तो यह कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने कब शुरू किया था, अप्रैल में। और दूसरा नेता एनी बेसेंट, इसने यह सितंबर में शुरू किया गया था होम रूल आंदोलन है। तो इसके नेता कौन थे, तिलक ने इसको अप्रैल में शुरू किया और एनी बेसेंट ने सितंबर में। आपसे पूछा जा सकता है कि पहले किसके द्वारा शुरू किया गया, तिलक द्वारा पहले शुरू किया गया, कब, अप्रैल में, और सितंबर में एनी बेसेंट। और ये कौन थी, आयरिश महिला, आयरलैंड से आई थी, आयरिश महिला थी। इस आंदोलन की वजह से इस महिला को यानी एनी बेसेंट को काफी प्रसिद्धि प्राप्त हुई, और इसी प्रसिद्धि के चलते 1917 में इसको कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया जाता है। और इसी के साथ यह भारत में पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है। तो इस आंदोलन से एनी बेसेंट को क्या मिलती है, प्रसिद्धि, यानी इस आंदोलन में यह प्रसिद्ध हो जाती है, और जिसकी वजह से इसको पहली बार कलकत्ता, इसको मतलब पहली महिला को कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष चुना जाता है। और कब की बात है, 1917 है। 16 में होम रूल आंदोलन चलाया जाता है एनी बेसेंट द्वारा, और इस आंदोलन में प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद 1917 में इसको क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। और यह भारत की पहली महिला अध्यक्ष है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो घटना क्या थी, गरम दल का दमन कर दिया जाता है इन नेताओं का, तो भारत में निष्क्रिय आंदोलन चलता है। 1913 में भारत से बाहर भारत की आज़ादी के लिए क्या कर लिया जाता है, संघर्ष किया जाता है भारत के लोगों द्वारा। तो उत्तरी अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को एक जगह, 1 नवंबर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना कर दी जाती है। इसके प्रमुख नेताओं के नाम कौन कौन से हैं, सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल। वहीं अफगानिस्तान में 1915 में काबुल में भारत के बाहर पहली अस्थायी सरकार का गठन कर दिया जाता है, और इसके नेता कौन कौन से हैं, राजा महेंद्र प्रताप, ये राष्ट्रपति हैं, और बरकतुल्ला कौन थे, इसके प्रधानमंत्री थे। और वहीं भारत में कौन सा आंदोलन चला, 1916 में होम रूल आंदोलन, इसके नेता तिलक और एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला है, और इस आंदोलन में प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद इसको 1917 में क्या बना दिया जाता है, कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसी के साथ एक डेट और रहती है महत्वपूर्ण, 1909 की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम यहीं पर पढ़ लेते हैं। यह महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पर भारत में फूट डालने का काम है जो वो किया।
हम पीछे पढ़ चुके हैं, अंग्रेजों ने 1905 में क्या किया, बंगाल में विभाजन कर दिया, हिंदू मुस्लिम फूट डाल ली, यही उसका वास्तविक कारण था, डिवाइड एंड रूल। उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी, और रही जो कसर वो 1909 में पूरी ही फूट डालो राज करो की जो पॉलिसी थी उनकी। तो 1909 में क्या होता है, मार्ले मिंटो सुधार लाया जाता है, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले यहाँ पे क्या है, सचिव है, और मिंटो वाइस राय। कब लेकर आया जाता है यह सुधार, 1909 में। अगर हम बात करें इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, तो मित्रों इसका जो उद्देश्य था वह क्या था, कांग्रेस और लीग में फूट डालना। और दूसरा उद्देश्य क्या था, हिंदू मुस्लिम में फूट डालना। तो ये था इसका उद्देश्य। और था क्या, ये इस सुधार के द्वारा भारत में मुसलमानों के लिए, किसके लिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन मंडल लेके आया गया। अब ये क्या है, वैसे तो हम इसको बाद में विस्तार से पढ़ेंगे, जो भी अंग्रेजों की नीतियाँ थी, जो भी एक्ट वो लेकर आए थे, या जो भी सुधार के नाम पे भारत में उन्होंने किया था, वो अलग टॉपिक में पढ़ने वाले। फिलहाल इसके बारे में शॉर्ट में पढ़ते हैं। जो पृथक निर्वाचन मंडल होता है, जो मुसलमानों के लिए लेके आया गया था, इसमें क्या कहा गया था, इसमें मुसलमान है, जो मुसलमान लोग केवल मुस्लिम नेता को ही क्या करेंगे, वोट कर सकते हैं। तो कितनी खतरनाक बात है फूट डालने के लिए हिंदू और मुसलमानों में, केवल मुसलमान लोग मुस्लिम नेता को ही वोट कर सकते हैं, अन्य कोई भी धर्म का मुस्लिम नेता को वोट नहीं करेगा। तो इसका परिणाम क्या हुआ, जैसे आप इसको समझ सकते हैं, आपके शहर में बहुत सारे धर्म के लोग रहते होंगे या बहुत सारे कास्ट के लोग रहते होंगे, अगर आपसे कह दिया जाए कि जो मुसलमान है, आपके शहर में ये सिस्टम लागू कर दिया जाए कि मुसलमान केवल मुस्लिम नेता को ही वोट डालेंगे, और उसका परिणाम होगा कि वो अगर वो नेता जीत जाता है तो सिर्फ किसकी सुनेगा, मुसलमानों की सुनेगा, अन्य धर्म के लोगों की वह बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। तो इससे क्या होगा, आपस में संघर्ष की स्थिति पैदा होगी, चाहे हिंदू मुस्लिम हो या मुसलमानों के अलावा कोई भी धर्म हो, तो हम मुसलमानों से क्या करने लगेंगे, घृणा करने लगेंगे, और मुसलमान भी दूसरे नेताओं को वोट नहीं डालेंगे, जिससे क्या होगा, बहुत ही आपस में विरोध होगा और फूट पड़ जाएगी। इसका यह उद्देश्य था अंग्रेजों का लाने का। इसी प्रकार की जो व्यवस्था है अंग्रेजों ने कहाँ पे की थी, इसी प्रकार की व्यवस्था, इसी प्रकार 1932 में किसके द्वारा, रैमजे मैकडोनाल्ड, द्वारा क्या किया गया था। देखो पहले अंग्रेजों ने क्या किया, धर्म के आधार पर वोट डालने का प्रयास किया, अब क्या करते हैं 1932 में हिंदू धर्म में जाति के आधार पर क्या करेंगे, फूट डालने का प्रयास करेंगे। और वो क्या था 1932 में, रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा दलितों के लिए, किसके लिए, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, मंडल प्रस्तुत किया है। तब की बात है ये 1932 की। इसमें क्या था, जो दलित लोग हैं केवल किसी को वोट डालेंगे, दलित नेता को ही वोट डालेंगे, इससे क्या होगा, हिंदू धर्म में आपस में क्या होगा, जातिवाद में लोग बंट जाएंगे। तो ये थी सोच अंग्रेजों की। लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने क्या किया, अनशन कर दिया, वो अड़ गए इस बात पर कि जो यह जो सिस्टम है दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल वह सही नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूँ। तो उन्होंने क्या कर दिया, पुणे की जेल में रहकर अनशन कर दिया। लेकिन जो दलित के नेता थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर,
उसको इसके लिए मनाया गया। तो उनके बीच में एक पैक्ट होता है, एक समझौता होता है 1932 में, जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो किसने अनशन किया यहाँ पर? गांधी जी द्वारा। ये बहुत ही अच्छा काम किया गांधी जी ने, ऐसा नहीं होने दिया। गांधी जी द्वारा अनशन कर दिया गया। कहां पर किया गया? पूना में। और इस अनशन से किस किस के बीच में वार्ता हुई? अंबेडकर व गांधी जी के बीच, इनके बीच में क्या हुई? वार्ता, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? पूना पैक्ट। और अंबेडकर यहां पर मान जाते हैं, लेकिन किस बात पर मानते हैं अंबेडकर? दलितों के लिए आरक्षण की बात पर, दलितों के लिए आरक्षण हेतु मान जाते हैं। तो हम इसको आगे विस्तार से पढ़ेंगे, कितना आरक्षण पर अंबेडकर राज्य की कितनी कितनी सीटें उनके लिए निर्धारित कर दी गई। फिलहाल बात क्या है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में लेके आ गया था, और इसका उद्देश्य क्या था? हिंदू मुसलमान में फूट डालना और कांग्रेस में फूट डालना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में फूट डालना। और यह क्या था इसमें, मार्ले मिंटो सुधार में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल था, और इसी प्रकार की व्यवस्था कब लेकर आया गई थी? 1932 में। और इस व्यवस्था में क्या था, मुसलमान है जो केवल मुस्लिम नेता को ही वोट डाल सकते हैं। और 1932 में क्या था, रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा, जिसको हम कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं, सांप्रदायिक पंचांग के नाम से भी जाना जाता है, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे किस डेट को लेकर आया गया था, कब पैक्ट हुआ था और कब गांधी जी ने अनशन तोड़ा था, आगे पढ़ेंगे विस्तार से 1932 में। और जब हम 1932 में पढ़ेंगे ना, तब मैं 1909 के बारे में आपसे पूछूंगा। तो इसमें क्या होता है, दलित लोग किस को वोट करेंगे? सिर्फ दलित नेता को, यानी हिंदुओं को कास्टिज्म में बांटने का प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ पर गांधी जी अवॉर्ड जाते हैं और अनशन कर देते हैं पूना की जेल में रहते हुए। तो गांधी जी और अंबेडकर बीच के बीच में वार्ता होती है, जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जान जाते हैं, और अंबेडकर जी यहाँ पर मान जाते हैं, लेकिन आरक्षण के लिए क्या करते हैं, इस बात पर मानते हैं दलितों के लिए आरक्षण के लिए। तो अब हम पढ़ते हैं इसके बाद जो लखनऊ अधिवेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, इससे संबंधित 2-3 सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हर बार पूछे जाते भी है। अगर आप पिछले एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री संबंधित कोई भी प्रश्न उठा कर देते हो, आमतौर पर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि लखनऊ अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे कौन थे, और उसमें जो प्रमुख बातें थी। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर स्टेटमेंट के रूप में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, लखनऊ अधिवेशन। कब हुआ था? 1916। तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इससे पहले हम समझ लेते हैं, जैसे हमने देखा था 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, यहाँ पर क्या रहता है, नरम दल और गरम दल एक थे। कब की बात है? 1885 की। और इस समय अध्यक्ष कौन थे? बनर्जी साहब। और जगह कौन सी थी, अधिवेशन कौन सा था? बम्बई का। उसके बाद चलते चलते बात आती है कहां की, 1907 की। तो इसमें क्या होता है, कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है, नरम दल और गरम दल। कब की बात है? 1907 की। तो इस समय अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष, पिछली वीडियो में हमने देखा था। और अधिवेशन कौन सा था? सूरत अधिवेशन। और ये कब तक अलग रहते हैं? 1916 तक। 1916 में फिर से नरम दल और गरम दल क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। और इस समय जो अध्यक्ष थे, अंबिका चरण मजूमदार। और अधिवेशन कौन सा था? लखनऊ अधिवेशन। इसी को हम पढ़ने वाले हैं, और जो इस अधिवेशन की महत्वपूर्ण घटना है उसके बारे में हम
अब विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो 85 में एक था नरम दल और गरम दल, कांग्रेस एक ही थी, लेकिन 1907 में सूरत के अधिवेशन में राज बिहारी जो घोष थे इसकी अध्यक्षता में नरम दल और गरम दल में कांग्रेस विभाजित हो जाती है और यह कब तक रहती है, 1916 तक। 1916 फिर से कांग्रेस के जो नरम दल और गरम दल थे वो फिर से एक हो जाते हैं। उस समय अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार, और अधिवेशन कौन सा था, लखनऊ अधिवेशन। और इससे संबंधित अगर हम महत्वपूर्ण घटना की बात करें तो जो यह अधिवेशन था इसमें हमने देखा था इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। अगर हम इसकी प्रमुख बातें देखें, प्रमुख बातें क्या थी इसमें, इस अधिवेशन में कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। किसके प्रयास से, तिलक व मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से। मोहम्मद अली जिन्ना पहले अधिवेशन में कब भाग लिया इन्होंने, 1913 में। अगर हम बात करें और क्या हुआ था इसमें, नरम दल और गरम दल दोनों एक हो जाते हैं। किसके प्रयास से, तिलक व एनी बेसेंट, इन दोनों के प्रयास से नरम दल और गरम दल भी क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। और वहीं कांग्रेस और मुस्लिम लीग है, इनके जो संबंध है कब तक ठीक रहते हैं, 1922 तक इनके संबंध क्या रहते हैं, ठीक रहते हैं। 22 के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस फिर से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। लगभग कितने साल, लगभग 6 साल इनके संबंध क्या रहते हैं, ठीक रहते हैं। और क्या हुआ था इसमें, इसमें देखो जब देखो कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गई और नरम दल गरम दल एक हो गए, तो इसमें जो तिलक जी काफी जोश में आ जाते हैं और वो क्या कर देते हैं, एक नारा दे देते हैं। और वो नारा क्या था तिलक द्वारा जो दिया गया था, स्वराज मेरा मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं इसको लेकर रहूंगा, इस प्रकार का नारा है जो तिलक जी दे देते हैं। देखो साथियों, जो तिलक है वो गरम दल के नेता, अंग्रेजों से इसकी ज्यादा अच्छे बनती नहीं थी, अंग्रेजों के साथ ये संघर्ष की स्थिति में रहते थे। और अब क्या होता है, 1908 में इसको कैद कर लिया जाता है, ये 6 साल के लिए मांडले जेल में। 1914 में आते हैं, 1914 के बाद 1916 में फिर से सक्रिय होते हैं, होम रूल लीग की स्थापना कर, होम रूल आंदोलन की स्थापना करते हैं और कांग्रेस को लीग को एक करने का प्रयास करते हैं, तो एक हो जाती है। नरम दल गरम दल को एक करने का प्रयास करते हैं, इसके बाद यह जोश में आ जाते हैं और क्या बोलते हैं कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है अंग्रेजों, मैं इसको लेकर रहूंगा। और इसकी अगर हम अन्य घटनाओं की बात करें तो इसमें होम रूल आंदोलन शुरू किया जाता है, किसके द्वारा, तिलक द्वारा और एनी बेसेंट द्वारा। और एक और महत्वपूर्ण घटना इसमें, जो राजकुमार शुक्ल थे वो किससे मुलाकात करते हैं, राजकुमार शुक्ल की गांधी जी से मुलाकात। और यह कौन थे, यह बिहार के चंपारण के किसान थे जो अंग्रेजों द्वारा शोषित किए जाते थे, सभी के सभी जो किसान थे उन पर टैक्स ज्यादा लिया जाता था और उनको बलपूर्वक नील की खेती करने के लिए क्या किया जाता था, मजबूर किया जाता था। इसी समस्या को लेकर ये गांधी जी के पास कब आए थे, 1916 में आए थे। तो लखनऊ अधिवेशन की जो महत्वपूर्ण बातें वो क्या है, अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, पहला क्वेश्चन यहीं से। इसकी प्रमुख बातें क्या थी, मुस्लिम और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच कब मतलब एकता बनी, यानी दोनों कब एक हुए, तो 1916 में, किस अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में। नरम दल और गरम दल फिर से कब एक हुए, कब हुए, 1916 में, किसके सहयोग से, तिलक और बेसेंट के सहयोग से। तो तिलक ने यह नारा कब दिया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा, 1916 में। होम रूल आंदोलन कब शुरुआत किया गया था, तिलक द्वारा अप्रैल में और एनी बेसेंट द्वारा सितंबर में। और राजकुमार शुक्ल गांधी जी से कब मिलते, 1916 में। तो ये प्रमुख बातें थी इसकी। अब हम बात करते हैं गांधी जी के बारे में। यहाँ पे गांधी जी एंट्री कर जाते हैं भारत में 1915 में। तो गांधी जी किस प्रकार से
अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो बात है साथियों, 1893, 1901, 1915, 1916, 17, 1918, 1919, 1920 और 1922, सभी की सभी जो घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 1993 में क्या, सॉरी 1893 में क्या होता है, गांधी जी अब अफ्रीका चले जाते हैं। अफ्रीका गए, क्यों गए थे, केस के सिलसिले में गए थे, यह एक वकील थे, तो उस सिलसिले में अफ्रीका के, आगे विस्तार से पढ़ें जब गांधी युग के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल 1893 में केस के सिलसिले में अमेरिका गए। और भी महत्वपूर्ण घटना इससे संबंधित 1893 में, स्वामी विवेकानंद जी, है जो वो कहाँ पर गए थे, शिकागो गए, शिकागो गए, क्या करने गए थे, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1893 में विवेकानंद शिकागो गए थे। और एनी बेसेंट भारत आए, और 1916 में होम रूल आंदोलन की इसने क्या की थी, शुरुआत की थी। अब बात करते हैं 1901 में वापिस आए गांधी जी, वापिस आए और कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार भाग लिया गांधी जी ने, पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। और यह अधिवेशन कहां था, कोलकाता में। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गांधी जी ने किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था, तो 1901 का जो अधिवेशन था और कहां पर था, कलकत्ता के अधिवेशन में इन्होंने पहली बार भाग लिया था। और अफ्रीका कद गए थे 1893 में, विवेकानंद शिकागो और एनिवेशन भारत में आए। अब बात है 9 जनवरी 1915 में गांधी जी वापिस भारत में आए, भारत में एंट्री मारी गांधी जी ने, और आजकल हम इसको प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, हर वर्ष किस रूप में मनाया जाता है, 9 जनवरी प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1916 में गांधी जी की राजकुमार शुक्ल से मुलाकात, अब जो राजकुमार शुक्ल है हमें पता, वो कहाँ से है, बिहार के चंपारण से, वो अपनी समस्याएं गांधी जी के पास लेकर आते हैं कि किस प्रकार अंग्रेजों ने उनका शोषण किया हुआ है। तो अब गांधी जी क्या करते हैं, यहाँ से चक्कर चलाते हैं, क्या चलाते हैं, चक्रा, गांधी जी चक्कर चलाते हैं किस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा जाए और कौन कौन से आंदोलन किए जाए। चक्रा मतलब क्या है, यहाँ पे सी एच से चंपारण, ए से अहमदाबाद में यहाँ पे लिख देता हूँ, सी एच मतलब चंपारण, ए से अहमदाबाद, के से खेड़ा, आर से रोलेट एक्ट, और ए से एस है जो बंदोलन। यानी जितनी भी ये जो डेट है इनमें सभी के सभी जो ये गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन थे वे शामिल हैं। तो आपसे यूपीएससी में क्रम में लगाना पूछ लिया जाता है कि गांधी द्वारा जो भी आंदोलन किए गए थे उनको क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप अगर इस प्रकार से क्रम को याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो डेट भी पूछ ली जाती है कि जो खेड़ा आंदोलन था वो कब किया गया, रोल टैक्स कब आया, चंपारण कब हुआ, अहमदाबाद, तमाम चीज़ें। तो 1917 में चंपारण में सत्याग्रह किया गांधी ने पहली बार, चंपारण सत्याग्रह। 1918 में दो जगहों पर, कहां कहां पर, सी एच ए और के, यानी अहमदाबाद और खेड़ा।
1919 में रोलेट एक्ट हुआ जलियांवाला बाग वाला बाग हत्याकांड कब होता है ये 13 अप्रैल को ये कल लिख देते 13 अप्रैल होता है रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। ये रोलेट एक्ट क्या है इसको काला कानून कहा जाता है अंग्रेजों द्वारा क्यों लाया गया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों होता है ये सभी घटनाएं हम आगे पढ़ने वाले हैं बिल्कुल विस्तार से। फिलहाल 1920 को ए यानी असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था और 1922 में यह आंदोलन जो असहयोग आंदोलन वह वापिस ले लिया गया। क्यों वापिस लिया गया इसके पीछे बहुत सारे कारण है। कब वापिस लिया गया किस प्रस्ताव द्वारा वापिस लिया गया हम इसको अगली वीडियो में समझने वाले हैं। फिलहाल क्या करना है गांधी जी के बारे में ये जो डेट है वो याद रखने का प्रयास करना। 1893 में अफ्रीका गए थे विवेकानंद जी शिकागो गए थे और एनी बेसेंट भारत में आए थे। फिर 1901 में गांधी जी ने पहली बार कलकत्ता के अधिवेशन में भाग लिया था। फिर 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत में वापस आए इसको प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1916 में राजकुमार शुक्ल से मिले और उससे मिलने के बाद गांधी जी ने चक्कर चलाना शुरू कर दिया यानी चक्कर मतलब CHAKRA CH मतलब चंपारण। 1917 में चंपारण सत्याग्रह 1918 में अहमदाबाद और खेड़ा 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया जाता और 1922 में इसको वापस ले लिया जाता। तो इन सभी घटना को जो लास्ट वाली थी जैसे रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन इसको हम यहीं से अगली वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।